Hello, Assalamu Alaikum. This is Mahmood Mehmoud uh, from my YouTube channel, and let's talk about Pakistan versus New Zealand, which just happened yesterday. And I'm a bit late about uh, making this vlog, but uh, let's just talk about the best part of uh, cricket in general. If you that Pakistan versus New Zealand, time the International League series, in uh, Pakistan mein ho hai, uh, after PSL, of course, because PSL is a lot of work. आई वॉज एक्चुअली वेरी बुड आई नो इफ यू गाइस फील दिस सेम किज दी एस एल का वो मज़ा नहीं था जो शुरू में होता था इट्स काइंड ऑफ लाइक एक ही प्रोसेस में चीज़ें जो है वो चलती आ रही हैं बस डेली मतलब आपकी एक रूटीन है, है वही छः टीम्स हैं वही प्लेयर्स हैं शफल हो रहे हैं कोई नई कैटेगरी uh, में जो है ना लोग नहीं आ रहे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी uh, बड़े स्टेगनेंट से जो है ना एक इनपुट चलती आ रही है सो आफ्टर दैट आई वॉज होपिंग कि जो पाकिस्तान वर्सेज़ न्यूज़ीलैंड होगा इसमें कुछ नई किस्म की क्रिकेट देखने को मिलेगी अनफॉर्चुनेटली शुरू में ऐसा ही लगा कि जो एक्चुअल मेन प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के जब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं दर प्लेइंग इन आई पी एल तो फिर फ़ायदा क्या है इस तरह की क्रिकेट को देखने का कि जब आप वो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम अगर हमारी पाकिस्तान की तो न्यूजीलैंड के क्यों नहीं हमें फर्स्ट क्लास प्लेयर्स मिल सकते बिकॉज वी हैव आर क्रिकेट वर्ल्ड कप कमिंग अब तो बेहतर यही है ना कि वी शुड टेस्ट आर वॉट बिफोर दैट सो कल का परसों के जो मैच था जो फर्स्ट टी ट्वेंटी होना था

इस मंथ में यहाँ पे इस पीरियड में आई नो दीज रेन्स वर अनप्रडिक्टेबल बट स्टिल क्राउड के हद हाँ तक ठीक है लोग आ जाते हैं लेकिन अगर देर इज इवन अ स्लाइट चांस ऑफ रेन वाई डू वी इवन हैव क्रिकेट इन दैट टाइम क्यों लोगों को परेशान करना है क्यों अपने आपने जो है ना लोगों के दिलों के साथ खेलना है स्पेशली उन स्पॉन्सर्स के दिलों के साथ खेलना है क्योंकि मैच नहीं होगा तो एड्स नहीं चलेंगे एड्स नहीं चलेंगे तो फिर पैसा नहीं आएगा पैसा नहीं आएगा तो फिर क्रिकेट नहीं होगी तो प्लीज Someone please can just give me the answer to that. <coughs> Talking about Pakistan versus New Zealand, second T20. I loved it. It was boring again. One-sided match. I know But uh, we were all looking forward to the comeback of Mohammed Amir. And uh, let's just talk about it. Um, people were speculating PSL mein chi performance रही, लेकिन लोगों का general response क्या uh, bowling In match mein bhi it was

अगर शाहीन की परफॉर्मेंस की बात करें आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी कि फाइनली क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है आ, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपकी कैप्टनसी के ऊपर सवाल एक पहला था जिसकी वजह से आपने पूरी कैप्टनसी को चेंज किया अब अब क्या करेंगे अब मुझे ये बताएं ना अब जब शाहीन परफॉर्म करना शुरू हो तो गया तब आप लोग क्या करेंगे उसको वापस आप टी का कैप्टन बना देंगे बुट लाइक स्टूपिड यू डिसीजनस मेक समटाइम्स हम हमारी तो समझ से बाहर हो जाता है मोहम्मद आमिर अच्छा आई I don't know I cannot comment on his cricketing skills but as fans as spectators um it was good to see him back in the team but overall generally I don't know if people are going to accept it or or not uh, let's see ke performance aage kaise Ahmed, the, the, the magical the, the, the magical spinner uh, Harry Potter hai team ke. uh again, he was uh, on point and um, I'm looking forward k अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है लाइक अगेन समटाइम्स इट्स इट्स नॉट अबाउट आपकी टीम कॉम्बिनेशन क्या है लेकिन अगर आपका बोलिंग अटैक ही जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए ना तो आपकी एक साइड तो एटलीस्ट सेव हो सकती है तो इट कैन नॉट लाइक यू ऑल द मैचेज बट वी कैन ऑलवेज विन द मेजोरिटी ऑफ द मैचेस रियली होपफुल टू सी दैट अगैन मेरा सवाल मेरा कॉमेंट हमेशा से यही रहा है भाई मतलब बाबर आजम मतलब सीरियसली मतलब मतलब क्या प्रेशर था भाई अब अगैन वही वाली बात मैं हमेशा से ही बात करती हूँ मोहम्मद रिजवान शुरू से जैसे भी खेल रहे हैं वो कंसिस्टेंट है ही इज रिलायबल बैटर इन पाकिस्तानी क्रिकेट लाइन लेकिन बाबर आजम क्या आप सिर्फ अपने लिए खेलते रहेंगे और अपने लिए ही खेलेंगे थोड़ा सा मतलब कोई तो ऐसी एक आपकी इनिंग्स हो जो कि हम पाकिस्तानियों को याद हो कि जी उन्होंने पूरी एक इनिंग्स जो है ना single-handedly up batting performance in pakistan ko i don't know what kind of a pressure uh, he gets under when he gets the captaincy uh, on a personal level mujay unki performance can be as a, a spectator not as a cricket expert to you please don't call me a cricket expert i am a pure pakistani pakistani <laughs> cricket fan or um, comments I they they are basically my opinions not my uh, suggestions so करें आपने जवाब आप कर लें <laughs> और आज का भी मैच है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विद देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स मिलता है क्राउड इज जस्ट स्पॉट ऑन आई जस्ट लव द पिंडी क्राउड पता नहीं आप लोग कैसे जाते हैं स्टेडियम्स uh, के अंदर आई एम गोइंग टू मेक अनादर वीलॉक ऑन ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम दैट यू काइंड ऑफ गेट वन यू हैव टू वॉच दिज मैचेस इन द स्टेडियम सो इफ यू स्टेडियम्स वील ऑग लेट मी नो एंड लेट्स हैव डिस्कशन अगैन टिल देन टेक केयर बाय बाय